अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हो पासवान 4.0 के हमने ऑलरेडी 3 फेजेस कंडक्ट किए हैं, जिसका रिजल्ट ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुका है। बच्चे ऑलरेडी क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, बट बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे हैं जो किसी वजूहात की वजह से पासवान 4.0 में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। तो सर आप बताए उनके लिए सिके क्लासेस क्या सोचा है? देखिए नज़ीर साहब, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं वैली के जो पासवान 4.0 में पार्टिसिपेट नहीं कर किसी भी वजह से, चाहे वो डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो एग्जामिनेशन के साथ बिजी थे बच्चे बहुत सारे, या फिर और कोई वजह था डिस्टेंस की वजह से जी। इसीलिए स्काई क्लासेस ने अब एक ग्रैंड मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट किया, जहां पे हमने ये डिसाइड किया कि हम सीधे घर बच्चों के घर तक जाएंगे, क्योंकि जो यहाँ नहीं आ सकेगा हम उनके घर तक जाएंगे, ताकि जो टैलेंटेड बच्चा है, कहीं ना कहीं बच्चा कोई होगा जो अभी भी महरूम हुआ इस पासवान स्कॉलरशिप टेस्ट से, हम उन बच्चों को हर किसी डिस्ट्रिक्ट से चुन चुन के लाना चाहते हैं, मोतिया चुन चुन के लाना चाहते हैं, ताकि वो हमारे साथ जुड़ जाए, स्काई क्लासेस के साथ जुड़ जाए, ताकि हम उनके साथ अच्छी तरह से काम करें, ताकि उनका फ्यूचर जो है वो संवर जाए। तो इसी सिलसिले में स्काई फैमिली ने अब क्या किया है, स्काई क्लासेस ने क्या किया कि हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल टैलेंट हंट कम स्कॉलरशिप टेस्ट पासवान 4.0 कर रहे, जहां पे हम 8th, 9th, 10th ऑनगोइंग स्टूडेंट जो है, 11th, 12th जो स्टूडेंट्स है, नीट जेई के जो स्टूडेंट्स है, वो इसमें सारे के सारे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। So, 8th क्लास हो, 9th क्लास हो, 10th क्लास हो, या फिर नीट जेई क्लास के स्टूडेंट्स हो, वो इसमें बेटा डायरेक्टली पार्टिसिपेट करें। और आपको ये भी पता होगा कि स्काई क्लासेस ने इस साल से आर्ट्स और कॉमर्स जो है वो स्ट्रीम्स भी लॉन्च की है। तो यहां पर जो बच्चा आर्ट्स में जाना चाहता है, चाहे वो 11th स्टैंडर्ड का हो, 12th स्टैंडर्ड का हो, वो भी इस एग्जामिनेशन में, ग्रैंड एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। मुदस्सिर साहब जी, सर अब आप कहेंगे कि सर किस डिस्ट्रिक्ट में आप ये एग्जाम लेंगे, किस किस डिस्ट्रिक्ट में, दूसरा सर उस डिस्ट्रिक्ट में बच्चों को कहां जाना है, सेंटर तो कोई होगा। तो देखिए मुदस्सिर साहब, ये अब हर किसी डिस्ट्रिक्ट वाइज हमने यहां पे लिया है। तो जो बच्चे, प्लीज बेटा नोट कीजिएगा, जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग को बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग, चाहे वो 8th के हो, 9th के हो, 10th के हो, 11th के हो, 12th के हो, नीट जेई के हो, या 11th आर्ट्स और कॉमर्स में जाना चाहते हैं, 12th आर्ट्स या कॉमर्स में जाना चाहते हैं, जितने भी अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं, उनका जो सेंटर है वो रहेगा हिस्टा हायर सेकेंडरी स्कूल, जो केपी रोड के पास है। नोट कीजिएगा, हिस्टा हायर सेकेंडरी स्कूल जो केपी रोड के साथ के पास है। उसके बाद जो बच्चे शिपियन को बिलोंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट शिपियन को, उनका जो सेंटर होगा वो होगा न्यू ग्रीनलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल। शिपियन वालों के लिए जो बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, न्यू ग्रीनलैंड हायर सेकेंडरी स्कूल। इसी तरह पुलवामा के बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के बच्चे जो सेंटर उनका है, वेन्यू है, जहां पे मेगा स्कॉलरशिप टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, अल हबीब मॉडर्न हाई स्कूल। हंदवाड़ा के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, उनका जो वेन्यू है एग्जामिनेशन का वो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज हंदवाड़ा है। इसी तरह जो कुपवारा के बच्चे हैं, कुपवारा डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग कर रहे हैं, उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वेन्यू होगा, वो अलेक्जेंड्रा स्कूल बुहामा कुपवारा होगा। सुन लीजिए, और कुपवारा स्टूडेंट्स के लिए अलेक्जेंड्रा स्कूल बुहामा कुपवारा। इसी तरह जो बच्चे भांडीपोर को बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट को, तो उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वेन्यू जो होगा, वो IDPS मशहूर स्कूल है भांडीपोरा में। उसके बाद जो बच्चे बारामूला डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग कर रहे हैं, उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा, वेन्यू जो होगा, वो गुलजार मेमोरियल एजुकेशन ट्रस्ट होगा, जो नौपोरा में है, कलान सोपोर में। अब बेटा ये तो आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज था, अब क्वेश्चन उठेगा कि सर जो बच्चे, मुदस्सिर साहब, जो बच्चे गांदरबल, श्रीनगर और बड़गाम को बिलोंग करते हैं, उनका वेन्यू कहाँ रहेगा? देखिए बेटा, उनका हमने डिस्ट्रिक्ट में वेन्यू नहीं रखा, क्योंकि वो नजदीकी है। तो इसीलिए जो बच्चे डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को, और सुनिए, डिस्ट्रिक्ट गांदरबल को, श्रीनगर को और बड़गाम को बिलोंग करते हैं, उनका जो एग्जामिनेशन सेंटर होगा वो उनके प्रेफरेंस पे होगा, या तो परेपोरा में स्काई क्लासेस में, या फिर राजबाग क्लासेस में, या फिर खानियार स्काई क्लासेस में, या फिर सोरा के स्काई क्लासेस में। सो दैट मींस कि बेटा, जो हमारी 4 ब्रांचेस है, वहां पे खाली वही बच्चे आ सकते हैं, या आने की बेटा
यहाँ पे ओपन चॉइस है, मगर डिस्ट्रिक्ट वाइज जब वो जाना चाहते, जो गांधरबल, श्रीनगर और बडगाम के बच्चे हैं जो इन डिस्ट्रिक्ट को बिलोंग करते हैं, वो बेटा अपने अपने रेस्पेक्टिव स्काई क्लासेस के सेंटर्स में एग्जामिनेशन दे सकते हैं, चाहे वो पलेपोरा में जाना चाहे, चाहे वो राजबाग में जाना चाहे, चाहे वो खानियान में जाना चाहे, चाहे वो सोरा में जाना चाहे। अब जी सर, मुदस्सिर साहब आप कहेंगे, बिल्कुल सर, आप डेट और वेन्यू, बिल्कुल बिल्कुल, टाइम क्या है, क्योंकि वेन्यूज तो हमने बता दिए, एग्जामिनेशन सेंटर्स तो हमने बता दिए, तो देखिए बेटा अब हम आपके साथ शेयर करेंगे कि डेट क्या है, कब बेटा ये डिस्ट्रिक्ट वाइज मेगा स्कॉलरशिप टैलेंट हंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाएगा। तो ये बेटा होगा बराबर May 12th, So 12th May को बेटा ये एग्जाम होगा, दैट मींस जो कमिंग संडे है उस दिन ये एग्जाम होगा, और जो डे बेटा टाइम होगा आपका रिपोर्टिंग टाइम 11 बजे होगा। बराबर बेटा जो कोई भी मेरा वीडियो सुन रहा है, जिस डिस्ट्रिक्ट को भी बच्चा बिलोंग कर रहा है, हमने ऑलरेडी बेटा आपको वेन्यूज दे दिए, याद रखिएगा डेट 12th May संडे आ रहा है, और जो टाइम है वो 11 बजे बेटा रिपोर्टिंग टाइम है। अब मुदस्सिर साहब, बच्चों का एक क्वेश्चन तो होता है कि सर हम कैसे आपके साथ जुड़ जाए, बिल्कुल सर, हम कैसे आपकी वेबसाइट पे जुड़ जाए। तो देखिए बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्टली मुदस्सिर साहब थोड़ा बहुत पीछे आवा, तो आपको बेटा डायरेक्टली www.sky.live पे रजिस्टर कर रहे, वहां पर बेटा जो ही आप इसको क्लिक करोगे तो वहां पे आपको आएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग कर रहे हैं। तो जिस डिस्ट्रिक्ट को आप बिलोंग कर रहे हैं तो उसको आप क्लिक कीजिएगा, और वहां पे आपका बेटा वेन्यू भी आएगा, डेट भी आएगा, और बेटा टाइमिंग भी आएगी, सब कुछ। मगर बेटा याद रखिएगा, जो गांधरबल, श्रीनगर और बडगाम डिस्ट्रिक्ट के बच्चे हैं उनका एग्जाम बेटा किसी भी स्काई क्लास के सेंटर में हो जाएगा, परेपुरा हो वो उनकी मर्जी है, राजबाग में आए, खानियार में आए, या फिर वो आए सोरा के सेंटर। और एक और चीज बेटा मैं अपने बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि जो हमारा ये पासवान स्कॉलरशिप टेस्ट था, एक ग्रैंड स्कॉलरशिप टेस्ट था, बराबर ये अब 1 महीने चला, बिल्कुल, तो इसमें हमने क्या किया था, ये कोलैबोरेशन हमने किया था ग्रेटर कश्मीर के साथ और रेड FM के साथ। और आपको बेटा जो बच्चा आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अब हम इसको समेट रहे हैं, बंद कर रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही पता था कि 1 महीने तक हम चलाएंगे स्कॉलरशिप टेस्ट, इसमें जो सबसे पहला टॉपर आएगा तो उसको बेटा बराबर कैश प्राइज जो है, कैश स्कॉलरशिप जो है वो 1 लाख तक मिलेगी, और वो ग्रेटर कश्मीर से उसको मिलेगी। 75,000 सेकेंड पोजिशन होल्डर को मिलेगा, वो सीधे स्काई क्लासेस उसको कैश स्कॉलरशिप देगा, और जो बेटा थर्ड टॉपर होगा उसको रेड FM की तरफ से बराबर 50,000 कैश स्कॉलरशिप मिलेगा। आइए बेटा ज्वाइन कीजिए, आपका एक बहुत ही बड़ा एक चीज आपके सामने लाया जा रहा है, जो पहली बार कोई कोचिंग सेंटर थ्रॉट वैली कर रहा है, हम आपके डिस्ट्रिक्ट तक आ रहे हैं, आइए पार्टिसिपेट कीजिए। अस्सलाम वालेकुम बेटा।